हेलो डियर स्टूडेंट्स, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर के द्वारा आप सबके लिए एक बड़ी खबर है। खबर यह है कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी एनुअल सेशन एग्जाम की परीक्षा तिथि का अनुमानित डेट दे दिया है। अनुमानित डेट कहने का सेंस है कि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा आप सबका जो एनुअल एग्जाम है वह होली की बात कराने की बातें चल रही हैं। अभी उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन जो एक अपडेट सामने आ रही है कि एनुअल एग्ज़ाम होली की बात कराने का प्रयास किया जा रहा है कि बच्चों का सेशन जिससे काफ़ी लेट ना हो, क्योंकि होली के बाद एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद कॉपियों की चेकिंग होगी, उसके बाद क्या होगा कि रिजल्ट आएगा, फिर जिससे आपका जुलाई से आपका न्यू सेशन स्टार्ट किया जाए, तो सेशन को डिले ना हो पाए इसलिए एग्ज़ाम प्रशासन क्या पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन एग्ज़ाम विभाग है वह आपका पेपर जल्द से जल्द कंडक्ट कराने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन अभी परीक्षा संचालित समिति के निर्णय के बाद तिथि होगी घोषित। अभी परीक्षा संचालित समिति के निर्णय के बाद ही यह तिथि फाइनल हो पाएगी कि क्या आपका पेपर होली के बाद कंडक्ट कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा, क्योंकि अभी तक आपका जो अनुमानित डेट हुआ करता था, लोगों का जो प्रिडिक्शन हुआ करता था कि सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम 16 मार्च से लेके 2 अप्रैल तक होना है, उसके बाद बीएड का एग्ज़ाम होना है, बीएड एमएड एंड बीपीएड का एग्ज़ाम होना है, तो टोटल एग्ज़ाम 16 अप्रैल तक जा रहा था। उसके बाद लोग अनुमान लगाते थे कि 16 अप्रैल के बाद हो सकता है एनुअल का एग्ज़ाम स्टार्ट हो सके, बट अभी ये जो तारीख न्यूज़ सामने आ रही है कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है अब 16 अप्रैल का इंतज़ार न करते हुए इसको होली की बात कराने के पक्ष में नज़र आ रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो सभी एनुअल के छात्र जो भी बीए बीएससी बीकॉम के सेकंड थर्ड और यूजी के फाइनल ईयर के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उन सब के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर करें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।